चार पीस छे, कल शाम तक डिलीवरी करनी है जी। देखो सबसे पहले खार, फिर दादर, फिर मरीन लाइंस और फिर नरीमन पॉइंट। ठीक जा, कल तू यहीं से ले लेना और हाँ कल शाम होने से पहले पहुंचा देना। चिराग से बस समझो कि हीरे पहुंच गया। जाने वाली 12 डब्बों की धीमी लोकल है। अगला स्टेशन विरार। सुनो मिश, तेरी भाभी और मैं कल जीवदानी माता मंदिर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो अभिश जरूर आता मोटा भाई, पर कल थोड़ा मुश्किल है, कल चाचा डिलीवरी है एकदम खास। शु बात छे यार, मुंबई आए हुए तुझे सिर्फ 6 महीने हुए और तू पूरा का पूरा मुंबई वाला हो गया, काम के अलावा किसी और चीज के लिए टाइम ही नहीं। अरे मोटा भाई ऐसी कोई बात नहीं है, पर क्या है ना चिराग सेठ का हिसाब ही कुछ अलग है, जो बड़ी बड़ी डिलीवरी होती ना वो सिर्फ मुझे देते हैं, उन्हें और कोई नहीं चलता। वैसे एक बात कहूं, तुम दोनों भाई काम करते हो हीरे का, पर एकदम जीरो, दोनों में से किसी ने भी आज तक मुझे इतना सा भी हीरा नहीं दिलवाया। भाभी साल खत्म होने से पहले आपके गले में हीरो का हार होगा। तो चुप कर। अरे जीवदानी माता की कृपा रही ना तो गले का हार बनेगा ही बनेगा। वाह शु जमानो आवे छे भाई, मुंबई लाया मैं, काम पे लगाया मैंने, और तोहफा भाभी को, वो भी हीरो का हार। वाह आप तो रहने दीजिए, आपने तो कभी झूठे मुंह भी हीरे की बात तक नहीं की, कम से कम देवा जी कोशिश तो करेंगे। हाँ डिजाइन जो। हाँ अरे जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण। जो खबर उमेश भाई? यो बस माता जी ने कृपा से। भैया एक सादा पान लॉन्ग ज्यादा। अरे उमेश मैंने सुना चिराग सेठ का धंधा फुल फॉर्म में चल रहा है। चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है, कल चार चार डिलीवरी है। चार चार डिलीवरी? अरे भाई तो एका धीरे की ब्रोकरेज हम लोग से करवा देना, लाइफ बन जाएगी। मैं तो बोलता हूँ सबकी लाइफ बन जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं, पर क्या है ना चिराग सेठ के सारे ग्राहक बंद हुए। तो डिलीवरी कितने की है? चिराग सेठ आजकल खोखे के नीचे फादे क्या कहते हैं, 4 खोखे का माल, 1-1 करोड़ का। शु बात करे जे? तो भाई एक काम करना, देख अपनी भी सेटिंग करवा दो, तू रोज इतने सारे ग्राहकों से मिलता है, 2-4 ग्राहक इधर सरका ले। मेरी बात सुन, देख दलाली में तुझे भी कट मिलेगा। नहीं, नहीं, और कब तक तू ये डिलीवरी बॉय बनता फिरेगा? अरे मुझे ऐसे उमेश भाई लोहा गरम है, मार दो थोड़ा। हाँ। विपुल भाई, देवांग भाई, लोहा अभी तक तपा नहीं और हथौड़ा मैंने कभी पकड़ा नहीं, थोड़ा पैर जमाने दो फिर बात करते हैं ना। उमेश भाई ये मुंबई शहर है और ऊपर से हीरो का व्यापार, भाई देखो इधर धंधा जमाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। और भाई धंधे में इतना बड़ा मौका एक ही बार दस्तक देता है, सोच ले। सोचने दो, सोचने दो। सत्रह नवंबर 2011 मुंबई, 21 साल का हीरो का डिलीवरी बॉय उमेश ठक्कर 4 क्लाइंट्स को हीरे पहुंचाने निकल पड़ा, 4.5 करोड़ रुपए के हीरे। यह अरबों रुपयों का पारंपरिक व्यवसाय सिर्फ एक शब्द पर चलता है और वो शब्द है भरोसा। उस शाम को उमेश घर नहीं पहुंचा, क्या लालच ने उमेश के जमीर पर दस्तक दी थी, क्या बेहद कीमती हीरो ने
भरोसे को खरीद लिया था। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच्ड ऑफ है। शुभायु, नंबर लगा? ना, नॉट रीचेबल छे। बहुत बड़ी डिलीवरी थी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे चिपतानी माता, हमारे देवर्जी को जल्दी से घर ले आइए। कुछ नहीं अंकल, क्यों? तू ठीक तो है ना? जो नहीं करो फोन जाए। समझ गए। हेलो, हाँ सुरेश भाई, जय श्री कृष्ण। सुरेश भाई ना फोन जाए। हाँ सुरेश भाई, जय श्री कृष्ण। कैसा लगा माल? मुझे क्या पता चिराग भाई, मेरे हाथ पे तो माल आया ही नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं सुरेश भाई, उमेश तो सुबह ही लेकर निकल गया था। अरे चिराग भाई, मेरे यहाँ उमेश आया ही नहीं। क्या सर, डायमंड मार्केट 6:30 बजे बंद हो जाता है और मेरा भाई उमेश 8:30 तक घर आ जाता है। सर, डायमंड्स की डिलीवरी करता है तुम्हारा भाई? जी सर, आज उसकी 4 डिलीवरी थी, सभी बड़ी बड़ी। सर, ये है मिस्टर चिराग, डायमंड मर्चेंट। ये भी उमेश ठक्कर को लेकर ही कंप्लेन दर्ज कराने आए। जय श्री कृष्ण चिराग सेठ, हमारा उमेश घर नहीं पहुंचा। और उसने मेरा हीरा भी नहीं पहुंचाया। डिलीवरी कहां कहां करनी थी उसे? खार, दादर, मरीन लाइंस और नरीमन पॉइंट। हेलो, डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर वाघ बोल रहा हूं मैं। मिस्टर चिराग दोषी के यहाँ से। कोई उमेश ठक्कर नाम का लड़का आपके यहाँ हीरे की डिलीवरी करने आया था? हाँ आया था, दोपहर में 2 के आसपास। नमस्ते सेठ जी। चल उमेश भाई, दिखाड़। हाँ, उमेश 3:30 को डिलीवरी करके गया। 4:30 बजे डिलीवरी की थी उमेश ने। केम जोरे मन भाई? उमेश तुम्हारा हीरो। उमेश ने 4 में से 3 हीरे डिलीवर किए थे। देखिए सर, उमेश मेरा बहुत ही खास लड़का है। 4th हीरा जो सुरेश भाई को डिलीवर नहीं हुआ था, कीमत क्या होगी उसकी? 25 करोड़। सर, सेल अभी भी रिचेबल नहीं है सर। टीम को लास्ट लोकेशन ट्रेस करने के ऑर्डर दे दिए हैं। ठीक है, ये आपके सुरेश भाई, इनकी पेमेंट आ चुकी थी? हाँ सर, आ चुकी है पूरी की पूरी। और अगर नहीं भी आई होती तो सुरेश भाई अगर कोई गफला करे तो मैं अपना पूरा धंधा छोड़ दूँ। मेरे बहुत ही पुराने क्लाइंट है वो। आप मिस्टर दीपक, आपको आपके भाई ने इस डिलीवरी के बारे में कुछ बताया था? सर, उमेश मुझे हर डिलीवरी के बारे में बताता था। मुंबई में आकर उसे 6 महीने हुए थे ना? जी। इसके पहले आपका भाई कहाँ रहता था और क्या करता था? सूरत की एक हीरो की फैक्ट्री में हीरो की पॉलिशिंग का काम करता था। मुंबई क्यों आया था? वहाँ उसे मजदूरी काफी कम मिलती थी। जो उमेश, तू मेरा छोटा भाई है, मेरा घर तेरा घर, लेकिन मुंबई ना तो तेरी है ना तो मेरी है। यहाँ तुझे सीढ़ी के एकदम नीचे से धीरे धीरे ऊपर चढ़ना पड़ेगा। मोटा भाई, मैं खून पसीना एक कर दूंगा। मुझे ब्रोकर बनने में पूरे 3 साल लगे। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, जो मिले वो, बस एक बार मुझे हीरो के बाजार में एंट्री मिल जाए। चिराग सेठ मेरा भाई है, गारंटी देता हूं मन लगा के काम करेगा। अरे दीपक, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, पर देखो तुम तो जानते हो मेरे पास पॉलिशिंग का कोई काम है नहीं, क्योंकि वो मेरी लाइन ही नहीं है। मेरा तो तैयार माल का धंधा है। सेठ, मैं कोई भी काम करूंगा। हाँ, मुझे एक डिलीवरी बॉय की जरूरत है, करेगा? जरूर करूंगा, क्यों नहीं। जो तू दीपक नो भाई छे, तो दीपक पर जितना भरोसा रखा है उतना ही भरोसा तुझ पर रख रहा हूं। मारी जबान से सेठ, उमेश ईमान का पक्का है। पिछले 6 महीने से पूरी लगन से काम कर रहा था उमेश, मेरा एकदम खास डिलीवरी बॉय बन गया था वो। तो 6 महीने के बाद अचानक एक हीरे के साथ उमेश गायब कैसे हो गया? सर, ये सच है कि हीरा नहीं पहुंचा है, ये भी सच है कि उमेश गायब हुआ है, लेकिन उमेश हीरा गायब नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं है सर।
ठीक है, हम सुबह तक इंतजार करते हैं। अभी तक उमेश के सेलफोन का आखिरी लोकेशन भी पता नहीं चला। जैसे ही आखिरी लोकेशन पता चल जाएगा, सारी सच्चाई भी सामने आ ही जाएगी। चार में से तीन हीरे उमेश डिलीवर कर चुका था, और जो हीरा डिलीवर नहीं हुआ था उसकी कीमत थी 125 करोड़ रुपए। अगर उमेश के इरादे सही नहीं होते तो वो चारों हीरे लेकर गायब हो सकता था, जिनकी कीमत थी 450 करोड़ रुपए। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, तो क्या ये उसकी एक चाल थी ताकि शक की सुई उसकी तरफ इशारा ना करे? सवा करोड़, ये एक हाथ लग गया ना वही बहुत है। मामला थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसको तोड़कर बेच डालते हैं। सर, हमने उमेश के सेलफोन की लोकेशन ट्रेस कर ली है। कहाँ थी लोकेशन? सर गिरगांव, 5:15 बजे। लेकिन सर उसके बाद से उसका नंबर कंटिन्यू बंद बता रहा है। गिरगांव में तो चिराग का ऑफिस है जहाँ उमेश काम करता था। जी हाँ, और वो वहाँ से सीधा नरीमन पॉइंट जाने वाला था जहाँ पे चौथे हीरे की डिलीवरी होनी थी। लास्ट किस नंबर से बात की थी उसने? 2998987671। सर ये नंबर तो मुंबई का ही है। पता लगाओ किसका नंबर है ये। यस सर। मुझे नहीं लगता कि वो ऑफिस लौटा होगा। जी साहब। नामदेव, कल शाम 5 बजे के बाद उमेश ऑफिस आया था? नहीं साहब। ठीक है, तुम जाओ। उमेश ने तीसरा हीरा मरीन लाइन्स डिलीवर किया था 4:30 बजे। चौथा हीरा उसे डिलीवर करना था नरीमन पॉइंट। ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगते थे उसे। और उसका मोबाइल का लास्ट लोकेशन डिटेक्ट हुआ है गिरगांव, यही कहीं आसपास 5:15 बजे के करीब। बड़ी अजीब बात है, वो इस इलाके में क्यों आया होगा? किसी से मिलने आया होगा। ये सीसीटीवी पूरे बिल्डिंग में लगाया हुआ है? जी सर, पूरे बिल्डिंग में, हर फ्लोर पे, हर कोने में, क्योंकि इस बिल्डिंग में सभी ऑफिस डायमंड वालों के ही हैं। मुझे कल शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक की सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए, आपका ऑफिस, लॉबी, कॉरिडोर, सभी जगह की। जी ठीक है, मैं मेंटेनेंस वाले से मंगवा कर आप तक पहुंचा दूंगा। मैं हूं देवांशा। उमेश का सिम बंद होने के पहले आखिरी बार उससे बात तुम्हारे ही फोन पे हुई थी ना? कल शाम को उमेश ने फोन तो किया था, लेकिन वो उसका आखिरी कॉल था मुझे नहीं पता। वो हमें पता है, आप सिर्फ इतना बताइए कि आपकी उससे बात किस सिलसिले में हुई थी। दरअसल लगभग 4:30 बजे मैंने उसको पहले फोन किया था, तब उसने मेरा कॉल उठाया नहीं, फिर उसने मुझे कॉल बैक किया। आपने उसे फोन किस लिए किया था? वो मुझसे पूछ रहा था कि अगर वो मुझे कोई क्लाइंट दिलवाता है तो मैं उसे कितना कमीशन देता हूँ। कमीशन? कैसा कमीशन? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, दरअसल मैं एक डायमंड ब्रोकर हूँ और उमेश मेरा अच्छा दोस्त है, तो मैंने उससे कहा था कि अगर तेरे पास कुछ क्लाइंट हो तो मुझे दिलवा दे, मैं तुझे कमीशन में एक हिस्सा दूंगा। जिन हीरो की डिलीवरी वो करने जा रहा था, उस सिलसिले में उसने कल तुमसे कुछ बात की? नहीं, कल तो कोई बात नहीं हुई। फिर कब की थी? फिर परसों रात को बात हुई थी हमारी। वो क्या है, हम खाना खाने के बाद सब लोग पान के अड्डे पर मिलते हैं, उसका चचेरा भाई विपुल भी हमारे साथ था। शुभ खबर उमेश भाई। अरे उमेश, मैंने सुना चिराग सेठ का धंधा फुल फॉर्म में चल रहा है। चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है। कल 4-4 डिलीवरी है। डिलीवरी कितने की है? चिराग सेठ आजकल खोखे के नीचे फादे कहाँ कहते हैं, 4 खोखे का माल है। वो हम दोनों को बता रहा था कि चिराग सेठ के 425 करोड़ के डायमंड की डिलीवरी करने जाने वाला है। आओ। साहिब, वो मेंटेनेंस वाला आया था, वो सीसीटीवी की सीढ़ी तक गया है। एक मिनट रुको। देखो तुम डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन जाओ, वहां पुलिस इंस्पेक्टर वाघ होंगे, जो आए थे ना उनके हाथ में सीढ़ी दे देना। हो साहब। ये क्या सुन रहा हूं, उमेश गायब हो गया? कल से फोन ही नहीं उठा रहा है, हम सब तो बहुत डरे हुए। हाँ, कोई बड़ी डिलीवरी करने वाला था, ऐसा कुछ बोल रहा था वो। हाँ, 3 ग्राहकों तक तो उसने ठीक ठाक हीरे की डिलीवरी कर दी,
लेकिन चौथे वाले के यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। और पुलिस क्या कह रही है? कुछ नहीं, पुलिस के हाथ अब तक कुछ नहीं लगा। नमस्कार इंस्पेक्टर वाघ बोलते हैं। हेलो इंस्पेक्टर, मैं चिराग बोल रहा हूँ। अभी अभी पंचगिरी पुलिस स्टेशन से मुझे फोन आया था। किस बारे में? उन्हें उमेश मिल गया है। आइए मेरे साथ आइए। उमेश, 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 उमेश। शाम को 4 बजे के आसपास एक गांव वाले का फोन आया, बोला कि वहां ये लाश पड़ी है। हेलो, मैं इंस्पेक्टर माने बोल रहा हूँ, पंचगनी पुलिस स्टेशन से। बोलिए क्या बात है? आपके यहाँ कोई उमेश ठक्कर काम करता है? हाँ, वो कल से मिसिंग है, कोई खबर है उसकी? आपको फौरन पंचगनी आना होगा। क्यों, क्या बात है? आप उसकी फैमिली को भी लेके आइए। ओह, आपका मतलब? पोस्टमार्टम करवाया, मौत गला घोटने से हुई है। कितने बजे हुई थी मौत? बॉडी मिली के करीब 12 घंटा पहले, मतलब 18 नवंबर की सुबह 4 बजे। और उमेश तो 17 तारीख के शाम से गायब था। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, वो उमेश के पास से, मेरा मतलब है डेड बॉडी के पास से एक हीरा मिला है क्या? जी नहीं, इसके एम्प्लॉई आइडेंटिफिकेशन कार्ड के अलावा कुछ नहीं। एक बात और, इसका हाथ टूटा हुआ था, ऐसा लगता है जैसे जमीन से टकराने से टूटा है। या फिर जमीन पर फेंक दिया होगा उसे, या फिर उसकी लाश को। सत्रह नवंबर 2011 की शाम को 21 साल का डायमंड डिलीवरी बॉय उमेश ठक्कर मुंबई से गायब होता है। दूसरे दिन 18 नवंबर को उमेश की लाश मिलती है पंचगनी पुलिस को, झाड़ियों के बीच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है मर्डर। किसने किया था उमेश का कत्ल और लाश पंचगनी कैसे पहुंच गई? कत्ल मुंबई में हुआ था या पंचगनी में या फिर कहीं और? कई सवाल एक साथ उठ रहे थे और एक सवाल था 125 करोड़ का, वो चौथा कीमती हीरा कहां था? सर, एक बात शायद क्लियर है कि उमेश का चौथा हीरा चुराने का शायद कोई प्लान नहीं था। शायद, या शायद प्लान था, या शायद किसी ने उसको डबल क्रॉस किया। सर, इतना बड़ा हीरा चुराना एक बात है और उसे बेचना दूसरी बात। सर, मुझे लगता है कि शायद ये काम किसी ऐसे बंदे का है जो डायमंड बिजनेस से बिलोंग करता हो। इस केस में जितने भी लोग जुड़े हैं सभी के सभी डायमंड बिजनेस को बिलोंग करते हैं। डेड बॉडी ले जा सकते हैं। Ha ha ha!
देखिए, ट्रांसपोर्ट का सारा खर्चा मैं दूंगा। उमेश मेरा खास आदमी था, किसी ने इसे मार दिया और मेरा हीरा चुरा लिया। तड़पते, हो सकता है इस सीसीटीवी फुटेज से हमें कुछ लीड मिल जाए। शायद सर। उमेश, ये 4:55 को उमेश ऑफिस आया था सर, मरीन लाइन्स डिलीवरी के ठीक बाद। उमेश किसी का तो इंतजार कर रहा था। तड़पदे, यही हमारा सस्पेक्ट है। यस सर। हाँ बोलिए, इतना अर्जेंट क्या काम था? चल चलता चलता बात करें। थोड़ा जल्दी बोलना क्योंकि मुझे डिलीवरी करनी है नरीमन पॉइंट पे। हाँ भाई, हाँ चल। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच। सर, फोन बंद आ रहा है उसका। उसे भनक लग गई, हम लोग उस तक पहुँचने वाले। लेकिन सर, उसके घर का एड्रेस है हमारे पास। गाड़ी निकालो, घर से उठाते हैं साले। अरे भाई, आप पीस तो देखो एक बार, पीस देख के हैरान हो जाओगे और हमारा डिस्काउंटेड प्राइस सुन के आप डबल हैरान होगे। हाँ, हम अभी निकल रहे हैं, सुबह तक पहुंच जाएंगे। अरे विपुल भाई, जल्दी करो ना, जल्दी निकलते हैं यहाँ से। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। जी जी, चलो 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 भाई, जल्दी जल्दी लॉक कर ही दो। हमें देख के हैरान हो गए या फिर डबल हैरान हो गए? विपुल सेठ और देवांग सेठ, और कितने सेठ लोग इन्वॉल्व है इस कांड में? विपुल उमेश का चचेरा भाई था और देवांग उमेश का खास दोस्त था। ये दोनों भी डायमंड बिजनेस में काम करते थे। इन दोनों को उमेश की हर डिलीवरी के बारे में पता होता था जो वो अपने चिराग सेठ के लिए करता था। चिराग सेठ मुंबई के डायमंड बिजनेस के बड़े व्यापारियों में से एक था। 6 महीने में ही उमेश ने उसका भरोसा जीत लिया और उसने उमेश को अपना खास डिलीवरी बॉय बना दिया। इन 6 महीनों में विपुल और देवांग ने उमेश के साथ गहरी दोस्ती बना ली थी। लेकिन ये दोस्ती थी ही नहीं, ये एक षड्यंत्र था जिसका एक खास मकसद था। विपुल भाई, हूँ शू कहू छू, थोड़ा टाइम देते ना उसको, अपने आप हमारे साथ जुड़ जाएगा। सीधी उंगली से घी निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन देवांग भाई, मेरे को डाउट है, वो जो उमेश का भाई है ना दीपक, उससे मेरी आज तक कभी नहीं जमी। उसे जरूर मना किया होगा कि तू विपुल से दूर रहे, और उमेश अपने भाई के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। तो फिर बड़े में बड़ा मौका मिलते ही उंगली टेढ़ी कर देते हैं। घी तो हम लोगों को खाने का ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चार चार डिलीवरी, अरे भाई तो एकाधीरे की ब्रोकरेज हम लोग से करवा देना, लाइफ बन जाएगी। मैं तो बोलता हूँ सबकी लाइफ बन जाएगी। देवांग, ऐसी बात नहीं, पर क्या है ना, चिराग सेठ के सारे ग्राहक बंद हुए हैं। तो डिलीवरी कितने की है? चिराग सेठ आजकल खोखे के नीचे बातें कहाँ करते हैं, 4 खोखे का माल है, एक एक 1 करोड़ का। शू बात करे जे? तो भाई एक काम करना, देख अपनी भी सेटिंग करवा दो। तू रोज इतने सारे ग्राहकों से मिलता है, 2-4 ग्राहक इधर सरका ले। मेरी बात सुन, देख दलाली में तुझे भी कट मिलेगा। नहीं, और कब तक तू ये डिलीवरी बॉय बनता फिरेगा? अरे मुझे ऐसे, उमेश भाई लोहा गरम है, मार दो थोड़ा। हाँ। विपुल भाई, देवांग भाई, लोहा अभी तक तपा नहीं और हथौड़ा मैंने कभी पकड़ा नहीं। थोड़ा पैर जमाने दो, फिर बात करते हैं ना। उमेश भाई, ये मुंबई शहर है और ऊपर से हीरो का व्यापार। भाई देखो, इधर धंधा जमाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। और भाई, धंधे में इतना बड़ा मौका एक ही बार दस्तक देता है, सोच ले। सोचने दो। विपुल भाई, बड़ा मौका आ गया है, उंगली टेढ़ी करने का वक्त आ गया है। तो कल ही कर डाले काम? ऐसा कल फिर कब आएगा? लेकिन देवांग भाई, इस बार सारी प्लानिंग तुम्हें करनी है, क्योंकि वो मेरी बात तो सुनेगा नहीं।
टेंशन मत लो आप, मैं पटा लूंगा उसको। चलो ठीक। ये ले बेटा, रख ले। नहीं नहीं, ये मैं कैसे ले सकता हूँ? अरे रख ले बेटा, रख ले। बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, रख ले। नहीं नहीं, चिराग सेठ मुझे ये काम की जितनी तनख्वाह देते हैं बस उतने पे ही मेरा हक बनता है। वाह भाई वाह, तेरे चिराग सेठ के हाथ तो हीरा लग गया हीरा। ऐसे काम करते थे, एक दिन जरूर चमकेगा। जय श्री कृष्ण देवांग भाई, आपने जब मुझे फोन किया था तब मैं डिलीवरी पे था, बोलिए क्या काम है? अच्छा सुन, मेरे पास एक प्लान है, पर तेरे को पहले शांति से सुनना पड़ेगा। देवांग भाई मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे नरीमन पॉइंट पहुँचना है, वो हीरे की डिलीवरी करनी है, बोलिए। अरे राजा मैं उसी हीरे की बात कर रहा हूँ, देख उस 125 करोड़ के हीरे के लिए मेरे पास एक जबरदस्त क्लाइंट है। अरे शुरुआत करो छो देवांग भाई, ये हीरा चिराग सेठ का, ग्राहक सुरेश भाई, नरीमन पॉइंट वाले, मैं तो उन दोनों के बीच का डिलीवरी बॉय हूँ। आप मेरे साथ ये ग्राहक व्राहक की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि तेरा जो चिराग सेठ है ना वो मेरी बात तो सुनेगा नहीं। हा? और जो मेरा ग्राहक है ना वो सुरेश भाई से भी ज्यादा रकम देने के लिए तैयार है। और दूसरी बात, पर चिराग सेठ जो है ना वो तो सुरेश भाई को हीरा बेचेगा, पर अगर तू चिराग सेठ को पटा कर वो हीरा मेरे ग्राहक को बिकवा देगा ना तो सुन, चिराग सेठ की नजर में तू बहुत ऊपर आ जाएगा। नहीं नहीं, मुझे इतनी कोई जल्दी नहीं है देवांग भाई लाइफ में, लेकिन फिलहाल मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे नरीमन। अरे राजा से 5 मिनट, 5 मिनट के लिए मिलना चाहता हूँ बस, पहले तू मेरी फिर पूरी पूरी बात सुन। देख देख, मैं ना धंधे की बात कर रहा हूँ, कोई चोरी डकैती की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं जल्दी से जल्दी ये डिलीवरी करता हूँ और फिर हम मिलते हैं। नहीं नहीं, मेरी बात सुन। देख राजा, देख देख मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 मिनट के लिए मिलना सिर्फ, फिर तू तेरे डिलीवरी पे चले जाना। देख तेरे को दोस्ती की कसम है बस। हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, हम जल्द से जल्द तुम मेरी ऑफिस के नीचे आ जाओ, मैं अभी नीचे आता हूँ, हम वहीं मिल लेंगे। ठीक है? हाँ राजा, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। 21 साल का उमेश एक ईमानदार कामगार था, वो अपना काम दिल से और ध्यान लगाकर करता था, लेकिन दिल से सोचने से उमेश का ध्यान हट गया। वो अपने दोस्त देवांग का दिल नहीं दुखाना चाह रहा था, इसलिए उससे मिलने के लिए राजी हो गया। ये भूल मासूम उमेश की जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल साबित हुई। बोलिए देवांग भाई, इतनी जल्दी क्या थे, क्या अर्जेंट क्या बात थी? चल चलते चलते बात करते हैं। थोड़ा जल्दी करना क्योंकि मुझे नरीमन पॉइंट में डिलीवरी करनी है। हाँ भाई हाँ, चल। नहीं देवांग भाई, आप समझते क्यों नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। अरे समझ... भाई बद्दू समझू छू, तेरी मर्जी, करना है कर, नहीं करना है मत कर, वो हीरा तो दिखा दे। शुरुआत करो छो देवांग भाई, आप भी तो इसी धंधे में हो ना, उस उसूल जानते हो, ग्राहक को छोड़कर हीरा किसी और को नहीं दिखाया जा सकता। ओ भाई, धंधे के उसूल मेरे को मत सिखा, ऐसे 4-6 हीरे ना मैं रोज सुपारी की तरह बेचता हूँ, मैं तो सिर्फ तेरे को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तू मेरे पे डाउट कर रहा है। नहीं वाह देवांग भाई, ऐसी बात नहीं, आप बर्बाद नहीं होगा, वो चोर विपुल बर्बाद होगा, मुझे मालूम है उसका खास ग्राहक कौन है। तू मेरे साथ चल, मैं अभी तेरे को मिलाता हूँ, तू चल मेरे साथ। लेकिन तो फोन भी ऑफ है। अरे कमाल करे जे तू, 125 करोड़ का हीरा चुरा के भागा है तेरे पास, तेरा फोन क्यों उठाएगा? अरे मैं तो कहता हूँ छोड़ो उसको, छोड़ो उसके ग्राहक वहां को, हम एक काम करते हैं पुलिस को मिलते हैं। चलो पुलिस को फोन करेगा ना तो पुलिस तेरे चिराग सेठ को फोन करेगी। क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है तू? देख मेरे पे भरोसा रख, मैं तेरा हीरा है ना उसके पास से वापस दिलवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है विपुल कहां गया होगा। क्या कहां है विपुल? बिल्कुल तेरे पीछे। क्या देख
देख देख विपुल भाई, एक काम करते इसकी लाश है ना पीछे की सीट पे डाल देते। अरे नहीं नहीं देवांग भाई, एक काम करते इसको दो गज जाके फेंक देते हैं। एक काम करो फिर ना उसको नीचे दबा के रखना ताकि आजू बाजू आने वाले लोग देखे नहीं। समझे गए देवांग भाई। विपुल भाई, 125 करोड़ का हीरा काट काट कर बेचेंगे। हाँ, और तब तक उमेश भाई की लाश को यहाँ के जंगली जानवर खा जाएंगे काट काट कर। मेहनत नहीं करनी थी, शॉर्टकट लेना था, इसलिए एक मासूम और मेहनती लड़के की जिंदगी को कट शॉर्ट कर दिया तुम लोगों ने। लॉकअप में डाल दो सालों को, कल कोर्ट में पेश करते हैं। चल। लड़का हीरा था और उसकी तकदीर में चमकना नहीं लिखा था। क्यों नहीं दिया मेरे को अभी तक? है नहीं तो किधर से दूं? जब जुड़ जाएगा तो भिजवा दूंगा। 3 महीने से यही कैसेट बजा रहे हो, कैसेट सुन सुन कर घर नहीं चलता मेरा। तो क्या भूखे पेट सोती है उस वसंत के साथ? वो तेरा घर क्यों नहीं चला था? हे दिनेश, आखिरी बार कहती हूँ मैं, अगर बसंत भाव के खिलाफ कुछ भी बोला ना तो पुलिस में जाऊंगी मैं। तू जहन्नम में जा, लेकिन यहाँ खड़े होके मत भोग, समझी? तो फिर तू भी समझ ले, ये पैसे हक के है मेरे, भीख के नहीं मांग रही। अगर आज के आज मुझे पैसा नहीं मिला ना तो पुलिस आएगी तेरे से मिलने। ए नहीं साहब, हो साहब जल्दी करो वरना दाढ़ी फिर से उगाएगी। टूरिस्ट का सीजन है, 1 मिनट कीमती है, आइए। हो साहब। शॉट। कार्य सविता, अभी तेरे ग्राहकों के सामने मैं भी शुरू करूं कहता माशा? पैसे देने की ताकत नहीं है और धमकी देने निकला है तू? पैसे तो मैं लेके आया है लेकिन एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा तेरे को, कर ले जो करना है। हे हे दिनेश, तेरे को वार्निंग मिला ना, सविता को परेशान नहीं करने का करके वार्निंग मिला ना, तेरे को वापस जेल का हवा खाने का क्या? बसंत भाऊ, आप गलत कर रहे हो। मेरी छोड़ तो, अपनी गलती देख पहले। तुम लोग का तलाक के टाइम पे कोर्ट ने तेरे को ऑर्डर दिया था कि इसका जो भी महीने का घर खर्च बनता है तेरे को देना पड़ेगा, और टाइम पे देना पड़ेगा, दिया था कि नहीं? बड़ी फिक्र है आपको सविता की? अरे बीवी मेरी थी, पैसे मैंने देने थे, जो भी हुआ वो हम दोनों के बीच की बात है, फिर आप बीच में क्यों आग लगा रहे हैं? दोनों के बीच कुछ सुलग रहा है क्या? देख दिनेश, जबान को लगाम दे, मुझे भला बुरा बोलता है मैं चुपचाप सुन लेती हूँ, लेकिन बसंत भाव का नाम गंदा किया ना तो मैं चुप नहीं बैठने वाली, समझा तू? देखे दिनेश,
सविता मेरे प्ले जोन में काम करती है, मेरी इज्जत करती है और मैं उसका शुभचिंतक है, समझा? तेरा इधर हर बार आकर के इस तरह से हंगामा करने से क्या होने वाला है? अरे इसका जिंदगी बिगाड़ के तेरा जिंदगी तो सुधरने वाला है ना? इसका जो भी महीने का बनता है चुपचाप से दे दे टाइम पे। और सुन, सविता से दूर रहे, आखिरी वार्निंग दे रहा हूं तेरे को। मिट्टी डालना यार, दिमाग से निकाल डालू सौरत को। श्रीकांत, मैंने कब का दिमाग से निकाल दिया, लेकिन वो मेरे से पैसे निकालने के लिए धमकाती है ना सर पे। एक तो मेरा बच्चा छीन लिया और ऊपर से वो बसंत भाव, वो गेम करता रहता है, चाबी मारता है। तू इधर रहता है ना, इसलिए तेरा बैंड बजता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तू यहाँ महाबलेश्वर से किधर बाहर चला जा, वाई में नहीं तो पूना में धंधा डाल, कभी तक ढूंढेंगे तेरे को। ये बसंत भाव भी कम चैप्टर नहीं है, पता है तेरे को? अपनी बीवी को उधर मुंबई में बैठा के रखा है, इधर मेरे बीवी के साथ मस्ती मारता है साला। अरे वो और चार लोगों की बीवी को अड़प सकता है, अजम भी कर सकता है, कुछ नहीं कर पाएगा उसका यार। पैसा में बहुत ताकत होती रे भाई। पैसे क्या ऊपर लेके जाएगा, नरक में सड़ेगा साला। मेरा जिंदगी का वाट लगाया है ना, देख लेना, एक दिन उसका भी नंबर आएगा और ऐसे कुत्ते की मौत मरेगा कि अखा महाबलेश्वर याद रखेगा। महाबलेश्वर महाराष्ट्र, हनीमून्स के लिए मशहूर इस खूबसूरत इलाके में एक तलाकशुदा जोड़ा दिनेश और सविता आए दिन मेंटेनेंस के लिए लड़ते रहते थे। महाबलेश्वर बाजार में नाई की दुकान चलाने वाले दिनेश का गुस्सा पास के प्ले जोन के मालिक वसंत पर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। सविता वसंत के प्ले जोन में नौकरी करती थी। दिनेश को शक था कि सविता और वसंत के बीच सिर्फ सहानुभूति और मदद का रिश्ता नहीं बल्कि कुछ और भी था। रियल एस्टेट में भी डील करने वाले वसंत के पास वैसे ही दुश्मनों की कमी नहीं थी। और फिर एक दिन आया जब रोज की तरह वसंत अपनी दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी में था और दुश्मन पूरी तैयारी के साथ उसके दरवाजे पर दस्तक देने पहुंच गया। अब सवाल था, कौन था यह दुश्मन और ये कैसी दुश्मनी निभा रहा था? घर की मरम्मत करवाई थी, उसकी पेमेंट आज ही की है। निकाल, एक मिनट, ये इतना है। बाजू में देख रहे, अबे कुछ भी है शाने के पास तो है। ए, ये पैसा कहाँ रखता है? जल्दी बोल, वरना बोलने के लायक नहीं रही। बोल। जो कुछ है वो यही है और ये सच है। दोनों को अंदर ले चलो, अपने स्टाइल से कुछ हुआ था इनसे। बता पैसा कहाँ रखा है? पैसा नहीं है, सच कह रहा हूँ। आई शपथ। ए, चीरो तो जरा इसके घर को। साला, कम से कम 3-4 लाख रोकड़ा तो होगा ही होगा। और ये देख, कितनी सारी ज्वेलरी छुपा के रखी है। झूठ बोला हमसे, फालतू में इतनी मेहनत करवाई। तुमको जो मांगता था वो मिल गया था, अब तो छोड़ दो मुझे। सर, घर का चप्पा चप्पा ढूंढा था उन लोगों ने, आदमी को मार डाला लेकिन औरत को कुछ नहीं किया। क्या हुआ था, कौन थे वो लोग, कैसे हुआ ये सब? साहब, हम लोग प्ले जोन बंद करने वाले थे। ये 1,500 रुपए रख रहा हूँ कैश बॉक्स में, छोटे मोटे खर्चों के लिए। नहीं नहीं, जरूरत नहीं थी। जरूरत हमेशा होती है सबकी। दुर्गेश कब आ रहा है? एंट्रेंस एग्जाम के लिए गया है, परसों तक आ जाएगा। मैं कल मुंबई जा रहा हूँ, वो वेन्ना तालाब वाली जमीन है ना, उसके लिए खरीदार मिल गया है, इसी महीने में सौदा हो जाएगा। प्ले जोन बंद हो चुका है और अभी इस वक्त
मैं मना करती हूँ। वसंत भाई को गोली मारी लेकिन तुम्हें मारने के लिए लौटे नहीं। नहीं सर, मैंने पहले गोली चलने की आवाज सुनी और फिर गाड़ी शुरू होने की आवाज। तो तुम चिल्लाई नहीं, खुद को खोला कब? मेरे मुंह पर पट्टी बंधी थी साहब, पट्टी खुलते ही मैं चिल्लाने वाली थी कि तभी गोली की आवाज सुनी। मैं बहुत डर गई साहब, और जब गाड़ी की आवाज सुनी उसके बाद मैंने अपने आप को खोला। दुर्गेश कौन है? मेरा लड़का है साहब, सतारा गया हुआ है इंजीनियरिंग के टेस्ट के लिए, 11वीं में पढ़ता है। दुर्गेश, ये तुम्हारे पहले पति दिनेश से, जिसकी मार्केट में एक नाई की दुकान है। हो साहब, दिनेश ही दुर्गेश का पिता है। अच्छा, जब गाड़ी बाहर रुकी थी तो तुमने उसे देखा था? हो साहब। उसके नंबर पर ध्यान गया था? नहीं, लेकिन MS-02 हाँ, और सफेद रंग की एम्बेसडर थी। सफेद रंग की एम्बेसडर। अंग्रेज जी सर, सभी नाकों पर मैसेज भिजवाओ। व्हाइट कलर की एम्बेसडर, MS-02 रजिस्ट्रेशन, ये जरूर मुंबई की गाड़ी होगी। जी सर। अच्छा, वसंत भाव की पत्नी मुंबई में, आपने उन्हें इन्फॉर्म किया? हो साहब, मैंने उन्हें फोन कर दिया है। आंग्रे, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, और मुझे ये औरत सविता और इसका पति दिनेश और वसंत भाव की पत्नी तीनों थाने में चाहिए। मिल जाएंगे सर। तीन गोलियां बॉडी से बरामद हुई हैं, तीनों काफी क्लोज रेंज से चलाई गई थी, यही कोई 1-2 फीट की दूरी से, और एक गोली सीने को चीरती हुई चली गई, एंड डेथ वाज इंस्टेंट। गलती से फायरिंग नहीं हो सकती डॉक्टर, एक गोली सीधा सीने में लगी है, मकसद साफ है, ये फायरिंग मर्डर के इरादे से हुई है। पर यह भी हो सकता है कि पहली गोली गलती से चली हो और बाकी की दोनों गोलियां उस गलती को छुपाने के लिए चलाई गई। हो सकता है डॉक्टर, लेकिन एक बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आ रही है कि सविता को क्यों नहीं मारा गया, सिर्फ वसंत को निशाना क्यों बनाया गया? सर, सारे नाके रेड अलर्ट पर हैं, लेकिन सर वो व्हाइट एम्बेसडर अभी तक स्पॉट नहीं हुई है। और हाँ सर, कुल मिलाकर 3 लाख रुपए कैश और 3.25 लाख के जेवर चोरी हुए हैं। चोरों के चेहरे ढके हुए थे और चोरी हो चुकी थी, फिर जानबूझकर वसंत भाव को मारा गया, क्यों? मुझे इस औरत सविता पर शक हो रहा है। सर, वसंत की बीवी मुंबई से आ चुकी है, थाने में वेट कर रही है। गीता सबनिस, वसंत भाव सबनिस की धर्मपत्नी। जी। आप मुंबई के मुलुंड इलाके में कोचिंग क्लास चलाती हैं? जी, गीता कोचिंग सेंटर। क्या आपको पता था कि यहाँ एक औरत थी सविता? उसने मुझे फोन करके बताया, वो इनके एम्प्लॉय थी। यही प्ले जोन में रहती थी? इन्होंने हमारे प्ले जोन के अंदर ही कुछ एडिशनल कमरे बनवाए थे। सविता अपने पति को छोड़ चुकी थी, इनको उस पे बहुत दया आई, और नौकरी के साथ साथ उसको रहने की जगह भी दे दी। दोनों के बीच कोई अफेयर वगैरह? नहीं सर, मेरे पति बहुत भरोसेमंद थे। क्या सविता भरोसेमंद है? किस हिसाब से? सविता का हाथ हो सकता है इस मर्डर और चोरी में? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता हो सकता। अरे गौड़ी साहब, आओ सर, इकड़े बसा बसा सर। खुश होगा तू? हाँ, तेरे रास्ते का कांटा निकल गया। मेरे को पता था साहब, आप लोग मेरे ऊपर ही शक करोगे। अंग्रेज साहब को पूछा ना आप, रात को 2:30 बजे आए थे मेरे घर पे पूछताछ करने को। मैंने भेजा था उसे। सुना, उस वक्त तो बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। हाँ साहब, बड़ी गहरी नींद सो रहा था मैं। अच्छे अच्छे सुपारी लेने वाले भी मर्डर करने के बाद नहीं सो पाते, तू कैसे सो पाए? साहब, उस तरह की कसम साहब, मैंने वसंत भाव को नहीं मारा, लेकिन हाँ, पिछले 2 सालों में कम से कम 200 बार दिल में जरूर आया था कि साले को टपका डालूं। वसंत भाव ने मेरा बीवी छीन लिया साहब, मेरा बच्चा छीन लिया, मेरा सब कुछ छीन लिया साहब। बहुत सुकून मिला मेरे को साले की मौत से। किसी ने तो हिम्मत की, दाद देता हूँ साहब, जिसने भी मेरा काम कर दिया हो। साले, एक्टिंग कर रहा है तू? नाई की दुकान चलाने से पहले किसी तमाशा कंपनी में काम करता था क्या? साहब, तमाशा तो वसंत भाव ने मेरी जिंदगी का बना दिया साहब। इसलिए तो हमें बनाने की कोशिश कर रहा है? एड़ा बनकर पेड़ा खाने की कोशिश मत कर,
मेरी नजर है तुझ पर, जिस दिन भी भनक लगी ना बहुत भारी पड़ेगा। बॉडी हैंडओवर की उसकी पत्नी को। अब तक तो क्रियाक्रम भी शुरू हो गया होगा सर। हम भी शुरू हो जाते हैं आगरे। सविता कोटा जी सर। तो तीनों के चेहरे ढके हुए थे। हो साहब। कितना और क्या क्या छोड़ गए तुम्हारे लिए बसंत भाव? साहब मैं उनके प्ले जोन में काम करती थी, महीने की तनख्वाह देते थे बस। बसंत को मारा और तुम्हें छोड़ा, ऐसा क्यों? ये मुझे कैसे पता होगा साहब? तुमने मरवाया बसंत को तो क्यों नहीं पता हो सकता? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने और तुम्हारे पति दिनेश ने एक साजिश रची वसंत के पैसे हड़पने के लिए। पहले तलाक का ड्रामा किया, फिर झूठ मूठ के झगड़े, मस्त बकरा बनाया वसंत को और फिर हलाल कर दिया। जी साहब, आप लोग ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं साहब? बसंत भाव एकदम भले आदमी थे, मेरे बड़े भाई के माफिक। दिनेश ने मेरे को और मेरे लड़के को अपने हाल पर छोड़ दिया था मरने के लिए। बसंत भाव ने हमें सहारा दिया, नौकरी दी मेरे को, वो सब कुछ दिया साहब जो मुझे चाहिए था। रास्ते पर आने से बचाया हमें। मैं ऐसे आदमी को मारने का सोच भी नहीं सकती साहब, सच्ची। सर, इलाके के सारे हिस्ट्री शीटर्स को राउंड अप किया, अंदर बाहर छानबीन करी, कुछ नहीं मिल रहा है सर। साहब ये वसंत भाव ने तो कई लफड़े पाल रखे थे, 15-15 जमीनों के सौदे चल रहे थे उसके, कई लोगों के साथ तो 36 का आंकड़ा भी था साहब। कौन है ये लोग? नाम बोलने के पैसे देते हैं तेरे को? नहीं साहब, खबर पक्की नहीं तो किसी का नाम नहीं लेते हम खबरी लोग, कसम से। बाकी वसंत भाव की दुश्मनी नेता लोगों के साथ और बिल्डर लोगों के साथ थी, अब बड़ा पैसा तो दुश्मनी भी बड़ी ना साहब। अपना महाबलेश्वर, वाई, पूना, सतारा, जहाँ जहाँ वसंत भाव का लेन देन था ना वहाँ पंटर लोग दौड़ाया मैं, किसी ने कोई सुपारी उपारी नहीं दी थी साहब। अपन को तो बाहर वाले का ही हाथ लगता है साहब। अरे हमें तो ये पहले से ही पता था, हमें तो बस ये पता लगाना है कि ये बाहर वाले हाथ यहाँ किस हाथ के साथ मिले थे। सर ये फायरिंग वायरिंग फर्स्ट टाइम हुआ अपने महाबलेश्वर में, ऐसा लफड़ा कभी हुआ नहीं अपने एरिया में, अपने को तो कुछ और ही एंगल लगता है सब। कान जमीन से लगाए रखना, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन साहब आप बता रहे थे कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन मुंबई का था। हाँ, वैसे आंगरे हमने उस व्हाइट एम्बेसडर के बारे में मुंबई पुलिस को खबर दे दी है ना? जी सर। और मुझे ये लफड़ा मुंबई का ही लगता है, लेकिन मुंबई महाबलेश्वर जितना छोटा नहीं है, घास में सुई ढूंढनी होगी। पिक्चर पोस्टकार्ड जैसे सुंदर महाबलेश्वर की क्राइम हिस्ट्री में शायद ही कभी फायरिंग से मर्डर हुआ था। सभी आधे अधूरे सबूत मुंबई की तरफ इशारा कर रहे थे, पूरी संभावना लग रही थी कि वसंत सबनेस को मारने की सुपारी मुंबई में दी गई होगी। अब सवाल यह था कि इस सुपारी किसने दी थी और क्यों, और यह तभी पता चल सकता था जब शूटर्स पकड़े जाते, और शूटर्स के बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। पर अनुमान लगाया जा रहा था कि वो शायद मुंबई को ही बिलोंग करते थे। सर, सर ये जो महाबलेश्वर वाला शूट आउट केस था, कुछ पता चला? सर वसंत भाई की मिसेस कोचिंग क्लास चलाती है, गीता कोचिंग क्लास, उसके सारे एंगल छान मारे, कोई खबर नहीं। सुपारी की भी कोई खबर नहीं सर। शायद कोई सुपारी निकली नहीं होगी तो खबर कहाँ से मिलेगी। सर इस मर्डर में कोई पर्सनल एंगल दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये सिर्फ एक चोरी का केस नहीं हो सकता, लूटने के बाद एक निहत्थे आदमी को मारना इसका क्या मतलब होगा? सर कोई साइको हो सकता है। तीन लोग थे, तीनों भी अगर साइको होते तो इतना फुल प्रूफ प्लान नहीं बनता, लूटते नहीं इस तरह से। सर ये लूटपाट हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए की गई होगी। कावरे केस क्लोज मत करो, लगे रहो, कोई ना कोई सुराग तो निकलेगा ही। यस सर। इस केस को हुए एक महीना बीत चुका था, लेकिन इस केस में अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी। जैसे जैसे और समय बीतता गया सभी को लगने लगा कि ये चोरी का केस था जिसमें फायरिंग एक्सीडेंटली हुई थी, शायद ये सोची समझी सुपारी किलिंग नहीं थी। सविता पहले की तरह प्ले जोन मैनेज करने लगी और उसका एक्स हस्बैंड दिनेश
अब चैन की सांस लेने लगा। उसका हमेशा से मानना था कि वसंत सविता को भड़काता था और उसके सविता के साथ संबंध थे, पर अब वसंत इस दुनिया में था नहीं। और अब सवाल यह था कि क्या वसंत की मौत का राज हमेशा राज ही रहेगा। क्या बात है दिनिया, बहुत खुश लग रहा है। अरे सर का बोझ हल्का हो गया श्रीकांत भाई, अब तो झिकझिक भी नहीं करती साली। पुलिस कितना भी सर फोड़ ले, अक्खा महाबलेश्वर खोद डाले, हम लोगों को टच नहीं कर पाएगी। तो अपन ने कहां कुछ किया, जो भी हुआ वो ऊपर वाले की मर्जी से। श्रीकांत भाई सचमुच वो भाई लोग आसमान से टपके थे। हा? ये वसंत भाव भी है ना, ये कम चैप्टर नहीं है। पता है तेरे को, अपनी बीवी को उधर मुंबई में बैठा के रखा है, इधर मेरे बीवी के साथ मस्ती मारता है साला। अरे वो और चार लोगों की बीवी को हड़प सकता है और हजम भी कर सकता है, कुछ नहीं कर पाएगा उसका यार। ऐसा में बहुत ताकत होती रे भाई। पैसे क्या ऊपर लेके जाएगा, नरक में सड़ेगा साला। मेरा जिंदगी कवाट लगाया है ना, देख लेना एक दिन उसका भी नंबर आएगा और ऐसे कुत्ते की मौत मरेगा कि अक्खा महाबलेश्वर याद रखेगा। ए दिनिया, तू कहीं वसंत भाऊ को मारवा डालने का प्लान तो नहीं बना रहा ना? इतना हिम्मत और ताकत होता ना तो कब का टपका दिया होता साले को। श्रीकांत तू कुछ करवा सकता है क्या? क्या रे बाबा, मैं कोई गैंगस्टर का भाई हूँ क्या? लेकिन तेरी पहचान तो है ना यार चार छह लोगों में, अगर किसी को सुपारी दे सकते हैं तो सेट कराना। साले अगर मेरी पहचान होती तो मैं टूरिस्ट की गाड़ी चला रहा होता। चल निकलता हूँ अभी, ऊना का बाड़ा उठाना है यार, संभाल अपने आप, है ना, लौट के मिलता तेरे को। गाड़ी बंद पड़ गई है, आगे ढाबे तक छोड़ दोगे क्या? 800 रुपये लगेगा भाई। क्या बात कर रहे हो यार, यार खाली गाड़ी जा रही है वो भी इतनी रात गए, कुछ तो रहम कर। अरे हमारा टूरिस्ट गाड़ी है, क्या रात क्या दिन मीटर डाउन उच्च रहता है, मंजूर हो तो बोलो नहीं तो जाने दो, चलता हूँ मैं। ठीक है यार, चले यार। अरे सुनो, गाड़ी ठीक होने तक तुम यहीं रुको, ठीक है, हम लोग ढाबे पर जाके आते हैं। हाँ चलो रे। सामान संभाल के रखा है ना? बिल्कुल चकाचक संभाल के रखा है, टेंशन मत ले, कभी कभी अटकती है साले, लगता है ओइलिंग ओइलिंग करानी पड़ेगी इसकी। एड़े ओइलिंग तेरे भिजे की करानी पड़ेगी, मस्त मक्खन जैसे चलती है, तेरे को चलानी नहीं आती, इधर ला। अबे और इसको है ना लॉक करके रखा कर। अच्छा ए भाई, आगे से लेफ्ट ले और जो ढाबा दिखता है ना वहां पे गाड़ी रोक दे। हाँ शाबाश, बहुत जोर की भूख लगी है, चलो भाई। भाई साहब आप लोग किसी गैंग वैंग से हैं क्या? स्कूल टीचर हैं, पैसे मिल गए ना, चल कट ले यहाँ से। चल छोड़ो, कहाँ मर गया? कार्ड लगा भाई के लिए। ये श्रीकांत तू कुछ करवा सकता है क्या? क्या रे बाबा, मैं कोई गैंगस्टर का भाई हूँ क्या? लेकिन तेरी पहचान तो है ना चार छह लोगों में, अगर किसी को सुपारी दे सकते हैं तो सेट कराना। के लिए एक अक्खा मुर्गी मस और रोटी लेकर आ गर्मा गर्म। क्या चल भाग के जा और दौड़ क्या, पानी ये गिलास डाल डाल दे। भाई साहब एक काम करना। अब क्या काम है? महाबलेश्वर में काम।
महाबलेश्वर में क्या काम है भाई साहब? एक आदमी का काम तमाम करना है। श्रीकांत बोल, तेरा पुणे का भाड़ा हो गया इतना जल्दी? हाँ हो गया यार। सुन, मुझे वापस रास्ते में 3 लोग मिले जो तेरा काम कर सकते हैं यार। कौन सा काम यार? तेरे रास्ते का कांटा निकाल सकते हैं ये लोग। ये तीनों लोग सुपारी लेके लोगों को दुनिया से उठाते हैं यार। क्या बात कर रहा है? अरे ये हुई ना बात श्रीकांत। अच्छा पूछ, खर्चा कितना आएगा? वो पूछ रहे हैं अभी, तेरे पास देने के लिए कितना पैसा है यार? अरे मेरे पास कितना होगा यार, ज्यादा से ज्यादा 2-3 हजार। चल परवाह नहीं, मैं बात करता हूँ, लेकिन तू एक बार फाइनल सोच ले, काम करवाना है या नहीं। अगर वो लोग इतने में करने को तैयार हैं तो मैं अभी पैसे दे दूंगा। अबे आदमी को टोकना कि मुर्गी को टोकना? साले 1000 रुपए की तुम्हारी मुर्गी आती है यहाँ। 2000 वो भी आदमी टोकने के लिए? अक्का लाइव मैसेज जोक नहीं सुना मैंने तो। देखिए छोटी सी नाई की दुकान है, इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा वो, सीधा साधा आदमी है। अबे लेकिन हम तो टेढ़े हैं, मुंबई की गटर का पानी पी के बड़े हुए हैं, हमें उल्लू बनाने वाले की ना आतड़िया निकाल के हाथ में दे देते हैं, समझा? नहीं नहीं, तो सच में एक आदमी को मारना है। सच में 2 लाख लाने को बोल उसको। 2 लाख? अरे श्रीकांत अगर इतने पैसे मेरे पास होते भी तो सविता अभी तक गीले कपड़े की तरह निचोड़ ना ली होती। तो क्या बोलूं इनको, कैंसिल कर दूं क्या? अरे नहीं नहीं कैंसिल नहीं, देख उनको बोल कि मैं ज्यादा से ज्यादा 25,000 दे सकता हूँ, बहुत दिनों से छुपा के रखे थे वो पैसे। ठीक है मैं बोल के देखता हूँ। भाजी खरीदने आया क्या? 2 लाख मतलब 2 लाख, नहीं तो रास्ता ना आप, समझा? भाई कर दो ना भाई। चल फ्री में ठोक देता हूँ तेरे को। ठोको ठोको। नहीं भाई निकल यहाँ से। भाई कर लेते ना 25 में पूरी सुपारी, येड़ा हो गया क्या? कोई सुनेगा ना मुंह पे थूकेगा। कोई सुनेगा तब ना, जरा सोचो 25,000 में अपना गोवा का पूरा खर्चा निकाल सकते हैं, क्या बोलते हो? हाँ भाई थोड़ा सोचो, साला अपने तकदीर में लिखा था ये, नहीं तो इतनी जल्दी ताबड़ तो कभी सुपारी मिली है क्या आज तक? कर ले क्या? कर लेते भाई। हाँ बोल दो बोल दो। बातों बातों में बड़े ही कैजुअल तरीके से दिनेश ने अपने टूरिस्ट गाड़ी चालक दोस्त श्रीकांत से जिक्र किया था कि वो वसंत को मरवाना चाहता है जो उसकी एक्स वाइफ सविता की तरफदारी कर रहा है। उसी रात को एक अजीब इत्तेफाक होता है, श्रीकांत 3 सुपारी किलर से टकरा जाता है जो दरअसल गोवा जा रहे थे कुछ दिनों छिपने और अय्याशी करने के लिए। बड़े कैजुअल तरीके से बातों बातों में सौदा पक्का हुआ, प्लान बना और इस प्लान को अंजाम भी दिया गया। अबे येड़ा तो हड्डी भी खा गया, मजा आ गया। अबे ठंडी वगैरह तो। अबे कब आएगा वो? आ रहा है बस, फोन किया उसको अभी। आ गया भाई साहब। छुआ साला दुनिया, यही है वो तीनों भाई लोग। अबे आप थोपड़ा क्या देख रहा है, रोकड़ा निकाल। सुपारी किसके लिए? वो यहाँ से थोड़ी दूर पे मार्केट का इलाका है, उधर उसका प्ले जोन है। रहता भी वहीं है क्या? हाँ उधर ही रहता है, अभी भी है मेरी बीवी के साथ। बीवी को भी टपकाना है? नहीं नहीं सविता को कुछ मत करना आप लोग। अबे नहीं करेंगे कुछ, चलो रे। अब भाई साहब काम ऐसा करना कि फिर बीच में मेरा नाम ना आए। बे शाने अब तू हमको हमारा काम सिखाएगा? साला तुम दोनों प्रैक्टिस करोगे? हाँ बता बता बता। भाई साहब ऐसे बोल दिया, गलती से बोल दिया, समझा उसको। तुमको जो मांगता था वो मिल गया, अब तो छोड़ दो बोले। साला मजा आ गया।
ये साला 3-4 लाख कैश, ऊपर से सोना और ऊपर से उस चचुंदर के 25,000 भी। अबे जो अपन मुंबई में लूटे थे ना उससे ही बहुत ज्यादा बेटा। अब साला 2 महीने तक गोवा से हिलेंगे नहीं। दारू मच्छी और मस्ती भी। सालो इतना उछलो मत, पता लगे साला मच्छी खाते खाते खुद पुलिस के जाल में फंस गए। सही है रे दिनिया, तेरा नाम आने का कभी कोई चांस ही नहीं है। अरे शक तो हमेशा सविता पे ही बना रहेगा यार, वो थे तीनों तीरंदाज, पता है उसको अंदर बांध के चले गए कमरे में, वो भी जिंदा। और पुलिस सविता पर चील की तरह नजर बनाए हुए है। अरे मुझसे पैसे मांगना तो दूर, नजर तक नहीं मिलाती साली। सही है यार। तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स अपने बिल में छुपकर लूटे हुए पैसों से अय्याशी कर रहे थे। सुपारी देने वाले दोनों अपनी सफलता पर गदगद हो रहे थे। इन पांचों को लग रहा था कि अच्छी किस्मत सिर्फ इन पर चमकी नहीं थी बल्कि गर्जी थी। ये केस लंबे अरसे तक फाइलों में बंद रहा, लेकिन दफन हालत में भी ये केस हल्की हल्की सांसें ले रहा था, तकदीर को दस्तक दे रहा था, बिना सुलझे दम तोड़ने से इनकार कर रहा था। हमने कई केसेस में देखा है कि संयोग यानी कि चांस क्राइम डिटेक्शन में फरिश्ते का काम कर जाता है। अचानक एकाएक सुरागों की बौछार होने लगती है। सर, इरफान खबरी आया है, बुला उसको। तो चिकलवाड़ी घाट को ऊपर गए तीनों, पक्की खबर है ना? 100% पक्की खबर है सर, खबरी के बारे में खबर दे रहा हूँ आपको। क्या मतलब? सर वो तीनों में से एक रफीक है, रफीक खबरी सर, आप जानते हैं उसे? रफीक वो साला विक्रोली वाला? हाँ साहब, मैंने सुना है रफीक आउट ऑफ लाइन गया है, उसने एक उस्मान और एक राजेश के साथ मिलकर गैंग बना ली है। बोल ना, बोल और बोल। साहब कांजूरमार्ग रेलवे स्टेशन के पास एक ज्वेलरी की दुकान है, उसे लूटने की पूरी फील्डिंग कर ली है वो लोग ने। कभी करने वाले ये लोग ऐसा? आज शाम को साहब, जब पूरा स्टेशन भीड़ से घचाघच भरा होगा। भोसले उठा लेते हैं उनको। और कुछ? अक्टूबर में थाने में जो ज्वेलरी की दुकान लूटी गई थी, महावीर ज्वेलर्स। हाँ साहब, इन तीनों ने ही लूटी थी और फिर वहां से गोवा निकल गए थे। वेरी गुड इरफान। भोसले सर, टीम रेडी कर। देख मैं गाड़ी लेकर सिग्नल पर रहूंगा, तुम लोग फट करके चढ़ जाना। ठीक है, हम लोग माल लेकर पब्लिक में घुल मिल जाएंगे और वहीं से भंडू पहुंचेंगे। बरोबर बरोबर, एकदम बरोबर। और एक बात ध्यान रहे, पब्लिक में ज्यादा भागा दौड़ी करने का नहीं। आप टेंशन मत लो। वो घर है सर। माने इधर से जाओ। ओके सर। अबे अब कौन होगा बे, किसी को बुलाया था क्या? चाय वाला होगा, सुबह से 10 बार पैसे के लिए पूछ के गया। मैं देता हूँ साले को खर्चा पानी। दे जरा। पिछले 3 महीने में जहां जहां डाके डाले हैं सब उल्टी करो जल्दी। और तुम साले रफीक डबल ढोल की, एक तरफ तो हम लोगों के लिए काम करता है और दूसरी तरफ ज्वेलरी स्टोर्स में डाके डालता फिरता है। पैसों की सॉलिड गरज थी साहब, इसीलिए पहला काम करने वाला था साहब, इससे पहले कुछ नहीं किया साहब, सच्ची कहता हूँ साहब। पता नहीं साहब ये प्लान कैसे लीक हो गया। ओके बाप है हम, अगर तेरे को पता है ना तो तेरे जैसे 36 को जेब में रखता हूँ मैं।
अक्टूबर में थाने के महावीर ज्वेलरी स्टोर को लूटा था कि नहीं? नहीं साहब, लूटा था। तो माल किधर उड़ाया? गोवा की एक दुकान में बेचा साहब। गोवा कैसे गया तू? कौन है तेरा उधर? अब तीनों ने थाने स्टेशन से कार चुराई, एम्बेसडर उसी में गोवा पहुंचे हम। गाड़ी किधर है? गाड़ी किधर है? साहब, साहब आपको याद है 3 महीने पहले महाबलेश्वर में एक केस हुआ था जिसमें एक सफ़ेद रंग की एम्बेसडर इस्तेमाल हुई थी? वो ब्लेजन वाला मर्डर केस। बरोबर साहब। उसमें एक लेडीज़ गवाह थी जिसको सिर्फ MS-02 याद था और उस कांड में 3 लोग और शामिल थे। वो 3 लोग भी वही टाइम पे गोवा के लिए निकले थे ना? महाबलेश्वर भी गोवा के रास्ते में ही पड़ता है। वो जो महाबलेश्वर का ब्लेजन वाला था साहब, उसको हमी ने ठोका था साहब, लूटा भी था साहब। कम से कम 3-4 लाख रोकड़ा तो होगा ही होगा। ये प्ले जोन तो ज्वेलरी स्टोर नहीं था ना? हाँ, फिर क्यों गया उधर? पहले की प्लानिंग थी? प्लानिंग तकदीर की थी साहब। मेरा उस प्ले जोन से या उसके मालिक से कोई लेना देना नहीं था साहब। तो ठोक दिया उसको ऐसे ही टाइम पास के लिए? हैं? नहीं साहब, सुपारी मिली थी साहब। सुपारी? हम लोगों की गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी साहब, वही हमने एक टूरिस्ट गाड़ी वाले से लिफ्ट ली, उसी ने एक आदमी से मिलवाया जिसको उस प्ले जोन वाले को टपकाना था साहब। ये सच है साहब। अरे गौरे साहब, वसंत भाव मर्डर केस में मेरे पे शक करना कब छोड़ेंगे? आज सुबह छोड़ दिया, बस तुझे पकड़ने आए, केस क्लोज करने आए। चल साहब, चल साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। साहब आपको मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। फिर किया साहब। अरे साहब, चल अंदर। अरे श्रीकांत, ये पुलिस वाले हम तक कैसे पहुंच गए? अरे वो तीनों सुपारी वाले पकड़े गए, हम लोग का नाम बोल डाला उन्होंने। थैंक यू सर। सविता भाई, वसंत भाऊ के कातिलों को पकड़ लिया गया। कौन थे वो लोग साहब? किराए के हत्यारे, मुंबई से आए थे। आपके भूतपूर्व पति दिनेश ने सुपारी दी थी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा? नहीं सोचा नहीं था साहब, लेकिन सुनकर हैरानी भी नहीं हो रही है। कमजोर आदमी, घटिया हरकत। 3 गैंगस्टर्स के साथ अचानक हुई टक्कर ने एक शातिर मर्डर कॉन्स्पिरेंसी का भांडा फोड़ दिया। यह षड्यंत्र मानो फुल प्रूफ था। पूरे 2 महीने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई थी। इस केस की फाइल शायद हमेशा के लिए धूल चाटती रहती अगर वो तीनों क्रिमिनल्स एक और जुर्म करने ना निकल पड़ते, लेकिन वो तीनों थे आदत और पेशे से मजबूर। लेकिन इस बार तकदीर ने साथ नहीं दिया, वो पुलिस के हाथ लग गए और वहां से बाय चांस वसंत सबनिस के मर्डर का खुलासा हुआ। जुर्म की दुनिया है ही ऐसी, शायद लोगों को लगता होगा कि कई केसेस डिटेक्ट होते ही नहीं, पर सच्चाई ये है कि आज नहीं तो कल कानून मुजरिम के दरवाजे पर दस्तक देता ही है। क्राइम करो कभी और भरो कभी, लेकिन भरना तो पड़ता ही है क्योंकि क्राइम नेवर पेज। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।